दोस्तों को टेस्टी विद संतोष में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। ये हमने 2 कटोरी चने की दाल ले ली है, इसे हमने ओवरनाइट फुला दिया था। अच्छे से ये फूल भी गई है इस तरह से, ये देखिए फूट रही है अच्छे से। इसका हम ये पानी निकाल देते हैं और इसे एक बार अच्छे से वॉश कर लेते हैं पानी से, और इसका हम सारा पानी निकाल देते हैं। इस दाल की मैं ये नमकीन बनाऊंगी, वो बहुत टेस्टी बनती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। और झटपट बनने वाली है ये नमकीन। ये हमने एक जाली ले ली थी, जाली में ये दाल रख दी है, इसका ये सारा पानी निकल जाएगा। फिर इसे हम थोड़ा सूखने भी डालेंगे। ये हमारी दाल अच्छे से सूख गई है और इसे हम पंखे की हवा में सूखने के लिए डाल देते हैं। ये हमने एक दुपट्टा ले लिया है, इस पर हम फैला देते हैं दाल के लिए। इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहे, अच्छे से ये सूख जाए, ड्राई हो जाए बिल्कुल, तब इसकी हम रेसिपी बनाएंगे। आप धूप में भी 5 मिनट के लिए डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं सुखाने चाहिए इसे। चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। ये हमने 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लिया है और 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक या सॉल्ट, और 1 चम्मच हम अमचूर पाउडर ले लेते हैं। अमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला भी ले सकते हैं। और 1/2 चम्मच इसमें हम ये गरम मसाला मिला देते हैं, इसमें काली मिर्च वगैरह सारी होती हैं। गरम मसाले से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और इसमें हम 1/2 चम्मच काला नमक डाल देते हैं। इन सभी को मसाले के लिए अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमने 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ले लिया है, इससे बहुत अच्छा इसका कलर आएगा। ये मसाला हम साइड रख देते हैं एक तरफ। मसाला हमारा तैयार हो गया। ये दाल हमारी अच्छे से सूख गई है और इसमें पानी भी नहीं है, ज़रा सा देखिए। और ये हमने 1 कटोरी मूंगफली ले ली है, चने और मूंगफली की दोनों की हम ये नमकीन बनाएंगे। ये ऑयल हमने गर्म होने रख दिया है, इसमें हमने पहले से पूरियाँ तल ली थी इसलिए इसका ये है। और ये दाल ले लेते हैं, दाल इसमें हम डाल देते हैं, गैस को लो रखते हैं। ये हमने इसमें दाल डाल दी है, इसे हम चलाते रहेंगे। और अभी ये दाल नीचे है, अगर कुछ भुन जाएगी तो ये ऊपर आ जाएगी तैर के इसमें हल्के से। इसे हम चलाते रहेंगे इससे, नहीं तो ये कच्ची रह जाएगी। और लो गैस पर इसे हमें सेकना है अच्छे से दाल के लिए, इसे चेक करते रहें बार बार। अगर ये दाल हमारी क्रिस्पी हो जाएगी तो ये ऊपर तैरने लगेगी इससे ऑयल से। इसे हम सूखने देते हैं दाल के लिए। दाल हमारी अच्छे से बन गई है, ये देखो ऑयल के ऊपर भी आ गई है, इसकी यही पहचान है नमकीन की। इस तरह से इसे हम निकाल लेते हैं दाल के लिए, इसे एक जाली में निकाल लें, इससे ये इसका ऑयल एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा। इसी तरह से हम सभी दाल भूंज लेते हैं। ये हमने मूंगफली के दाने लिए थे, वो भी इसमें 3 मिनट ये तल लेते हैं। इन्हें भी अच्छे से क्रिस्पी करके तलना है, चलाते रहें ऐसे, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये हमारे पीनट तल गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम और भी तल लेते हैं। तल लिया है अच्छे से, इस तरह से देखो टूट भी रही है। और एक हम बड़ा बर्तन ले लेते हैं, इसमें ये हम दाल को डाल देते हैं। ये हमने न्यूज़पेपर लिया था, इससे एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो इसमें निकल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा ऑयल इसमें आ गया है तो आप एक बार न्यूज़पेपर चेंज करके दोबारा उस पर रख सकते हैं, उससे ये ऑयल है वो उस पर न्यूज़पेपर पर आ जाएगा। ये हमने दाल इसमें कर ली है और इस पर देखो न्यूज़पेपर पर ज़्यादा ऑयल नहीं आया, एक ही बार का ये न्यूज़पेपर पर। इसमें हम ये मसाले डाल देते हैं जो हमने नमकीन के बना कर रखे थे। ये हमने पीनट इसमें डाल दिए हैं और झटपट बनने वाली नमकीन है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगी, महीना तक चलेगी। और ये हम पौधे में ले लेते हैं, आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसमें हम थोड़ा सा पुदीना डाल देते हैं, पुदीना का बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। ये हमने सुखा कर रख लिया था वो इसमें डाल दिया है, और ये मसाला नमकीन का बना कर रखा था वो इसमें डाल देते हैं।
कमी डालें, एक बार चेक करके हम दोबारा डाल सकते हैं। इसमें नमक वगैरह कम है तो दोबारा इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब एक बार इस तरह से बनाकर नमकीन जरूर देखें, और जो पर बनने वाली नमकीन है ये मार्केट से भी ये सस्ती पड़ती है। इसमें हम थोड़ा सा मसाला और डाल देते हैं। इसका कलर ये देखो कितना अच्छा आया है, बिल्कुल मार्केट जैसा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप ये हमने अच्छे से इसमें मसाला मिला लिया है कि महीनों तक रख सकते हैं और ये खराब भी नहीं होगी जल्दी। ये हमारी चना दाल की और मूंगफली की नमकीन तैयार है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले न्यू वीडियो पर।